बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं किस चीज को, एक लास्ट पार्ट को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वो लास्ट पार्ट क्या है? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू, लगाइएगा हेडिंग अपने पास। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल। किताब छोड़ दो यार, किताब आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना? फिल वक्त जो बोल रहा हूँ, जब टेबल चाहिए तब निकालना, उठाना। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए इसके नीचे। आप क्वेश्चन होगा बायनॉमियल का, क्वेश्चन होगा बायनॉमियल का, सॉल्व होगा, क्वेश्चन होगा बायनॉमियल का, सॉल्व होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से। ठीक है जी, इस तरह की बात हम पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो। अब बीच में एक अच्छा खासा गैप आ गया है कि क्वेश्चन होगा बायनॉमियल का, सॉल्व होगा। ऐसा कब होता है? जब मीन वेरिएंस के बराबर हो जाता है, तो फिर वो वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल नहीं रहता बल्कि पॉइजो वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि पॉइजो का मीन उसके वेरिएंस के बराबर होता है। याद है या बात है? भूल चुके हैं। जब प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाती है सक्सेस, और नंबर ऑफ ट्रायल्स या साइज ऑफ सैंपल इज बिकम्स वॉट टू लार्ज। याद है या भूल चुके हैं? तो फिर सवाल के यहां पर क्यों जरूरत पड़ रही है? वहां तो मैं वजह समझ में आ गई कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू स्मॉल होने से और नंबर ऑफ ट्रायल्स टू लार्ज होने से वो वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? पॉइजो वेरिएबल हो गया। और कैसे हो गया? क्योंकि उसका मीन उसके वेरिएंस के बराबर आ गया। बायनॉमियल वेरिएबल रहने के लिए शर्त क्या थी? कि मीन हमेशा ग्रेटर देन हो किसके? वेरियंस के। ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी। वो तो बात समझ में आ गई सर, वहां तो हम पहचान लेंगे, यहां क्या मसला आ रहा है? यहां कोई मसला नहीं है, यहां बायनॉमियल वेरिएबल बायनॉमियल वेरिएबल ही है, यानी यहां मीन वेरिएंस से ग्रेटर देन ही है, छोटा नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो फिर भी हम इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं? कुछ काम इसलिए किया जाते हैं कि अपने आप को थकावट से बचाया जा सके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात यह कि इसमें एक एंड से दूसरे एंड की प्रोबेबिलिटी सिंगल कैल्कुलेशन में आ जाती है। सॉरी, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट के दरमियान जितनी भी वैल्यूज फॉल करती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल कैलकुलेशन में नहीं आ रही क्या? आप बात करें, इस बात को एंडोर्स करें, बताइए ऐसा है क्या? नहीं, वरना तो आपका पिछला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। उसमें जितनी भी कंटिन्यूस वैल्यू है सारी आ रही है इसके अंदर, यस और नो? तो अगर मैं आपको बोलता हूं अ कॉइन इज टॉस्ड 80 टाइम्स, एक कॉइन टॉस हुआ है कितनी बार? 80 बार। सुनो यार, सुनो बात को, अ कॉइन इज टॉस 80 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 30 to 60 heads? 30 से लेकर 60 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब है कि सर ये क्वेश्चन बायनॉमियल से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे बायनॉमियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कितनी बार? 31 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर सॉल्व करने का तो अलग ही मजा होगा ना। तो अब इसका मतलब है यहां पर हमारे लिए बायनॉमियल की कैलकुलेशन करने में हमें क्या फेस हो रही है? हार्डशिप।
तकलीफ दे है, मतलब टाइम टेकिंग है, बार बार एक ही फॉर्म लगाना, उसमें गलती के भी क्या होंगे, चांसेस हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहां पर एन लार्ज होगा और प्रॉब्लम सक्सेस जो होगी वो इतनी होगी कि उससे मीन वेरिएंस से क्या रहे, ग्रेटर देन ही रहे, यानी वेरिएबल बायनोमियल रहे, पॉइजो ना बने। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हमारी लोअर लिमिट क्या थी 30 और हमारी अपर लिमिट क्या थी 60। तो हम बोलेंगे 30 से लेकर 60 हेड्स की प्रॉबिलिटी हम क्या निकाल लें, फाइंड कर लें। तो हम एक्स की वैल्यू 30 और एक्स की अपर लिमिट उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जेड में, उसकी लोअर और अपर लिमिट फाइंड करके जेड का एरिया अंडर द कर्व निकाल लें। तो एक साथ 30 से लेकर 60 तक की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन एक मसला है सर, एक टेक्निकल मसला, टेक्निकल मसला समझिए। अब एक तरफ फार्मूला लिखने जा रहा हूं, टेक्निकल मसला, एक तरफ फार्मूला लिखने जा रहा हूं सर, किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सर एक तरफ फार्मूला लिखने जा रहा हूं किसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों की एक प्रॉपर्टी है जो मुख्तलिफ है, दोनों में एक प्रॉब्लम है, दोनों की एक प्रॉपर्टी जो मुख्तलिफ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोले, जवाब दे। एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, डिस्क्रीट probability yes or no। तो binomial का variable discrete variable होगा लेकिन normal distribution का variable continuous variable होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी discrete variable को continuous बनाना चाहते हैं तो आप उसमें करते हैं continuity correction। ये वही कंटिन्यूटी करेक्शन है जो आप क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, यानी क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करते थे, लोअर लिमिट से 0.5 लेस कर दिया करते थे और अपर लिमिट थे। मैंने क्या कहा था, जो पीछे सॉल्यूशन आ रहे थे उनको इग्नोर कीजिएगा, वहां हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। कंटिन्यूटी करेक्शन अगर होगी तो सिर्फ कहां होगी, नहीं, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू, जब क्वेश्चन होगा बायनोमियल का डिस्क्रीट वेरिएबल का, सॉल्व होगा नॉर्मल के फॉर्मूले से कंटिन्यूअस से, तो फिर वेरिएबल को पहले क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, फिर पुट करेंगे फॉर्मूले में किसके, नॉर्मल के। अच्छा अब एक मसला आ रहा है, बायनोमियल का फॉर्मूला सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं, इंटू पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलिए अब सवाल है सर, अगर क्वेश्चन होगा बायनोमियल का तो कॉइन की प्रॉबिलिटी दी हुई है 1/2, हेड आने की आवाज नहीं आ रही बेटा, और टेल आने की प्रॉबिलिटी क्या है, यहां तो मुझे म्यू लगाना है, तो क्या मैं बायनोमियल का मीन निकाल नहीं सकता, आवाज ही नहीं आप लोग की यार। तो हम सब जानते हैं बायनोमियल के जो मीन होता है वो बराबर होता है एन इंटू पी के, और मुझे चाहिए नीचे स्टैंडर्ड, तो बायनोमियल में वेरिएंस जो होता है बराबर होता है एन पी क्यू के। जवाब ही नहीं मिल रहा आपकी तरफ से यार, यकीन करो सब पढ़ाई हुई बातें बता रहा हूं और आप बेहोश बैठे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट एन पी की, सब पढ़ाई है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन बायनोमियल का है और सॉल्व होना है किससे, तो पहले तो मसला हल करना है, यहाँ मीन चाहिए, बायनोमियल के क्वेश्चन में तो मीन दिया हुआ नहीं होता। हाँ भाई लापता, छुट्टियां करो बीच में फिर गायब हो जाओ, अभी होमवर्क चेक करूंगा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होगा बेटा तुम्हारा। बताइए
फरमाइए, आपसे बात कर रहा हूं उसका तो इधर तो मीन चाहिए ना भाई। और अगर क्वेश्चन बायनॉमियल का हो तो मीन कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको सॉल्व करूं बायनॉमियल से, तो मैं या तो मीन निकाल के मीन की जगह पुट कर दो, या मैं फॉर्मूला थोड़ा सा अमेंड कर दूं, बोलूं एक्स माइनस एन पी डिवाइड बाय अंडर रूट एन पी। यस और नो? और मीन तो होता ही कंटिन्यूअस, तो मीन के अंदर किसी किस्म की कंटिन्यूटी करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। कंटिन्यूटी करेक्शन किस में होगी? वेरिएबल एक्स में, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ कंटिन्यूटी लिख लीजिएगा, अ कंटिन्यूटी लिख लें सब लोग, अ कंटिन्यूटी करेक्शन इज रिक्वायर्ड A continuity correction is required when to convert discrete variable into what? Continuous variable. A continuity correction is required to convert discrete variable into continuous variable. बोलिए बेटा बोलिए, क्या फरमाते हैं, बात समझ में आती है या नहीं आती? शुरू करें क्वेश्चन पर इसके ऊपर कि ये कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे होगी और चीजें कैलकुलेट किस तरह की जाएंगी। अगर यहां तक लिख चुके आप तो हाँ भाई, क्या पढ़ लें? क्वेश्चन होगा, सॉल्व होगा कब, जब कंडीशन तो बताओ ना, कंडीशंस, कंडीशन वो ही है, कंडीशन लिख देता हूं, किताबों ने कंडीशन लिखी हुई, लेकिन कंडीशंस की वजूहात पता होनी चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने आपको पॉइज़ो की भी कंडीशन लिखवाई थी, लेकिन उसके पीछे बैक पर कंडीशन की वजह क्या थी, वो था मीन का वेरियंस के बराबर हो जाना। यहां कंडीशन ये है कि मीन वेरियंस से क्या हो, ग्रेटर देन। ठीक है भाई, यानी एन पी इज ग्रेटर देन व्हाट, एन पी ये कंडीशन, ठीक है जी। और ये कंडीशन आमतौर पे कब पूरी हो जाएगी, व्हेन एन इज टू लार्ज, लार्ज दैट इज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, and number 2 probability is, the probability of success is near to 0.5, probability of success जो होगी वो 0.55 के करीब तरीन होगी, 0.55 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, 0.4 हो सकती है। ये क्यों शर्त है कि जब आप n into p निकाले और जब आप np q निकाले, तो np greater than होना चाहिए किससे, मकसद यही है बस, कि अगर मीन बड़ा है किससे, वेरिएंस से, तो फिर ये वेरिएबल स्टिल क्या है, बायनॉमियल वेरिएबल है। तो फिर इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं सर, क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसको नॉर्मल से? इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि बायनॉमियल का फॉर्मूला इतनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलते हैं हम एक शॉर्टकट लगाते हैं, हम उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, जेड में, और हम लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक की एक अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यस और नो भाई, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे बात सब लोग? ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं हमने सारे के सारे, ठीक है भाई, ध्यान में रहेंगे सबको पॉइंट, कंफर्म
अच्छा जी, अब ये सवाल आपके सामने यहाँ से शुरू होता है, जो मैंने एग्जाम्पल दी उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ से उठा लिया है। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 43 है, अभी तो आपको विजिबल है, तो अब यहाँ से देखें जरा इसको। अफेयर, एक कॉइन कितनी बार टॉस हुआ? क्या एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20? यस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बायनोमियल के फॉर्मूले से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कर ले, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। समझ पा रही, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फॉर द फॉलोइंग आउटकम्स। इसको मैं अभी ऊपर इधर से नहीं पढ़ रहा, मैं इसको सी ऑप्शन से पढ़ रहा। नंबर ऑफ हेड्स इज बिटवीन 45 एंड 52 बट डज नॉट इंक्लूड। आवाज ही नहीं आप लोग की यार। नंबर ऑफ हेड्स इज बिटवीन और इंक्लूड्स, यानी है मतलब 80 बार कॉइन टॉस किया है, हेड के 45 से लेकर 52 के दरमियान आने की क्या निकाल लें? प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब है आपके पास चॉइस है, आप x इज इक्वल टू 45, अगर 45 52 को शामिल करना है तो c में शामिल नहीं करना, यानी एक लोअर लिमिट और एक, तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको शामिल करें या शामिल ना करें, इसका ये मतलब है इस बात का। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इधर सिंबल बनाकर इसका। तो मतलब अगर शामिल कर रहे हैं, मैं डी से सॉल्व करना चुका हूँ, डी फिर सी फिर बी और फिर ए, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो डी से अगर शुरू करें तो हमें क्या करना है, 45 और 52 को इंक्लूसिव करना है। बोल दीजिए भाई, जवाब दीजिए। जब इंक्लूसिव करना है इसको, तो अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं किसके फॉर्मूले से बेटा? बाइनोमियल के फॉर्मूले। असल तो क्वेश्चन बाइनोमियल का है ना, कॉइन टॉस हुआ कितनी बार, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 80 हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल पे क्या है, 1/2 है, और इवन 200 में टूट रहा है सक्सेस या फेलियर, तो यार बाइनोमियल वेरिएबल हो गया ना, पहचान रहे हो फिर भी गलती कर रहे हो। तो चाहो तो इस तरह कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 45 प्लस 46 प्लस प्लस इन तमाम आंसर्स का, 7 आंसर्स छोड़िए 8 आंसर्स का करेंगे आप सम कर लें, 45 से लेकर 52 तक। तो फॉर्मूला कितनी बार लगा? 8 बार, 45 भी तो है ना, 46 से 50 5 हो गए, 45 6 हो गए और 2 ऊपर हो गए, तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ कितनी बार? 8 दफा। तो आपकी चॉइस है 8 दफा फॉर्मूला अप्लाई करते, या फिर आप क्या करें, अगर आप इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, इसको अप्रोक्सीमेट कर लें। अप्रोक्सीमेट मतलब इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लें, किससे? हो सकता है उस आंसर में और एक्चुअल आंसर में थोड़ा बहुत मामूली सा क्या हो फर्क, वो भी अभी प्रूव करवा सकता हूं मैं आपको। तब जो दरकार है, जरा देखिएगा, कॉइंस पे हेड या तो एक आएगा या दो आएंगे, क्या कोई 1.5 हेड आ सकता है? तो दरकार है बहुत ज्यादा, 1.5 हेड तो नहीं आ सकता ना, 2.5 हेड, 45.5 हेड्स नहीं आ सकते। इसका मतलब वेरिएबल बाय नेचर क्या है? डिस्क्रीट है। अब इसको इस तरह लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? डी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, 45 इज व्हाट, लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन। अब जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि 45 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन, तो ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, यानी 45 जो है वो एक्स से छोटा है, यानी एक्स 45 से बड़ा है। तो अगर एक्स 45 से बड़ा है और डिस्क्रीट है, तो 45 के बाद अगली वैल्यू कौन सी आती है बेटा? अब आ रही है बेटा, यस और नो बोलिए। तो फिर तो इसका मतलब क्या है, 46 45 को शामिल ही नहीं करना, क्योंकि ये जो अगर ये क्या होता, कंटिन्यूस होता वेरिएबल, तो जहां से जहां पे 45 वाला पॉइंट खत्म होता, वहीं से 45 वाले पॉइंट से ही कहानी आगे बढ़ती,
क्यों, जहां पे क्लास बाउंड्री क्या होती है, एक एंड होती है, वहीं से अगली क्लास बाउंड्री क्या होती है, शुरू होती है। तो फिर तो हम कंटिन्यूस वेरिएबल में लेस देन इक्वल टू लिखे या लेस देन लिखे कोई फर्क, लेकिन डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है। डिस्क्रीट में 45 इज लेस देन एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन 45। अगर एक्स ग्रेटर देन 45 है तो मतलब 45 उसमें शामिल नहीं होगा, तो फिर कहानी कहां से शुरू हुई। लेकिन डी पार्ट तो कहता है नहीं, 45 को उसमें क्या करो, शामिल करो। बोलिए, तो आपको साइन लगाना पड़ेगा क्या, लेस देन, सही है पक्का। लेकिन अभी ये कंटिन्यूस टर्म में नहीं है, ये कौन सी टर्म में, डिस्क्रीट टर्म। तो इसको आपने लिखना है डिस्क्रीट टर्म। जब डिस्क्रीट टर्म में लिखेंगे तो इसको सॉरी कंटिन्यूस टर्म में लाना है आपको डिस्क्रीट से। तो क्या करना पड़ेगा, 45 को लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को इंक्लूसिव करने के लिए हम 0.5 लेस किया करते थे, अगर याद है, और अपर लिमिट को इंक्लूसिव करने के लिए हम, तो जरा बताइए 45 में से अगर मैं 0.5 क्या करूं, लेस करूं, क्या बनेगा, 44.5 इज लेस देन एक्स। अब मैं सिंबल इक्वल टू वाला नहीं लगा रहा, जब मैंने कर ली कंटिन्यूटी करेक्शन, 45.5 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन, समझे बात या नहीं, यानी एक्स की जो मुझे वैल्यू चाहिए वो 44.5 से ग्रेटर चाहिए। अब बताओ कंटिन्यूस के अंदर आता 44.5 से ग्रेटर क्या होगा, 46 होगा, लेकिन अगर इसको राउंड कर दे तो 45, तो 44.5 लेने से क्या फायदा हुआ, 45 क्या हो गया, इंक्लूसिव हो गया, और आपकी लिमिट खत्म कहां हुई, आपने कहा एक्स इज लेस देन 52.5, तो मुझे जो एक्स की वैल्यूज मैक्सिमम चाहिए 52.5 से लेस देन चाहिए, 52.5 से नीचे आओ क्या बनेगा, तो 52 भी इसमें क्या हुआ, इंक्लूसिव हो गया। तो ये हो गई कंटिन्यूटी करेक्शन। अब हम फॉर्मूले में एक्स को 45 और 52 पुट नहीं करेंगे, बल्कि 44.5 और 52.5 पुट करेंगे, समझ पा रहे हैं बात या नहीं। तो अब इसको हम लाते हैं फॉर्मूले में जेड के, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी, डायरेक्ट फॉर्मूला एन पी, म्यू आएगा ना इससे, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, बाइनोमियल का, सॉल्व किससे हो रहा है, अंडर रूट एनपी, ठीक है जी। तो आप पुट कर दें आप यहां पर लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया आपने, 44, जवाब दें, माइनस एन की वैल्यू, कितनी बार कॉइन टॉस हुई, तो एन की वैल्यू क्या हुई बेटा, 80 हुई, किसी भी कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 से जब 80 क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया, 40 बन गया ना, ऑन एवरेज 80 टॉसेस पर आधे हेड आएंगे और आधे टेल आएंगे, ये एवरेज यही बना ना इसका, यही बना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जवाब नहीं मिल रहा बेटा आप लोग, अंडर रूट एन पी क्यू, 80 1/2 × 1/2, क्योंकि सक्सेस और फेलियर क्या है, बराबर है। अब बताइए जेड की वैल्यू क्या आती है, एक जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कैलकुलेटर बेटा, कैलकुलेटर कहां पर है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये आ गया कैलकुलेटर बेटा, ये रखा मैंने पूरा का पूरा फार्मूला रख रहा हूं मैं यहां पर, इसको स्टेट्स के ऑप्शन से हटा दीजिएगा ताकि आपका ये बढ़ सके फार्मूला। न्यूमरेटर में क्या रखा आपने, बोले ना बेटा, बोले 44.5 माइनस 80 × 0.5, पक्का। डिनोमिनेटर में आ गए, क्या ओपन किया आपने, अंडर रूट 80 रखा, मल्टीप्लाई किससे किया, 0.5 × 0.5, तो आपको z की लोअर लिमिट मिल गई 1.006। तो 1.06 अगर मैं राउंड करूं तो 1.01 बन जाएगा, यस और नो, 1.01 मतलब, क्योंकि मुझे लाना है इसको पॉइंट, क्योंकि z के टेबल के अंदर मेरे पास जो z की वैल्यू थी पॉइंट के बाद दो डिजिट में, तो मुझे पॉइंट्स के बाद दो डिजिट में राउंडिंग करनी क्या है, जरूरी है भाई, जवाब दें आप सब लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोअर लिमिट बनी प्लस का 1.01, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, अच्छा जी। अब इस तरह ही निकालनी है इसकी अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, 50,
2.5 माइनस 80 इंटू 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 80 इंटू 1/2, ठीक है जी। 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, 20 का रूट, आवाज ही नहीं आ रही बट। अच्छा मीन कितना आया है 40, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की यार। और वेरिएंस कितना आया है, वेरिएंस कितना आया है 20 यार। आप सामने आपके 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, ये वेरिएंस है। फिर इसका निकला इस अंडर रूट, वो कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 40 क्या है, मीन है, 20 क्या है, वेरिएंस है। तो मीन स्टिल इज ग्रेटर देन व्हाट, तो ये बायनोमियल वेरिएबल साबित हुआ ना बेटा। तो ये क्वेश्चन बायनोमियल के फॉर्मूले से भी होगा, लेकिन उससे सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, लेंथी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है जी। अब ये आंसर क्या आता है बताइए, क्या था भाई इसका आंसर, 55 माइनस 40 डायरेक्ट, वही डायरेक्ट यार, थोड़ा अकल इस्तेमाल कर लो यार, थोड़ा दिमाग भी चला लिया करो भाई, अंडर रूट 20। अभी बात समझा रहा हूं तुम, क्या बना भाई आंसर 2.795 है, 5 की राउंडिंग करेंगे तो क्या होगा 8 बन जाएगा, ठीक है जी। तो 2.8, तो इसका मतलब क्या, अगर आप चाहते हैं 44.5 से लेकर 52.5 तक की प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो आपको चाहिए कि आप z का एरिया निकालें बिटवीन 1.01 इज लेस देन z, z इज लेस देन 2.8। अब आप बनाएंगे नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल करवा गया आपके सामने, और दोनों लिमिट्स आपकी जीरो से राइट साइड पर है, यस और नो, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी। वन जो होगा आप जानते हैं, वन पॉइंट क्या है, 1.01, ये वन के बराबर तकरीबन, और दूसरा वाला वैल्यू जो है वो 2.8। इसका मतलब आपकी एक लिमिट कहलाएगी 1.01, दूसरी लिमिट कहलाएगी 2.8, और आपने इन दोनों लिमिट्स के दरमियान का एरिया क्या करना है, फाइंड करना। अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, हाफ टेबल, तो आप कहाँ खड़े हैं, जीरो पर, जीरो से आप आए 2.8 तक, और जीरो में से आपने क्या कर दिया 1.01 तक का एरिया माइनस कर दिया। टेबल आपके पास है, टेबल मेरे पास भी है, ठीक है जी भाई, जवाब दें। ये देखें प्लीज जरा तवज्जो कीजिए, ये है 1.0 और ये है 1.01, लेकिन ये तो लोअर लिमिट है, हमेशा पहले क्या देखें अपर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होगी ना इस बार 2.8.4974। बोले जवाब दें भाई, आप खुद भी देख लें बराए मेहरबानी, खुद भी देख लें 4.4974। तो 0.4974 माइनस लोअर, क्योंकि जब आप बेटा याद कर लें, जब आप टेबल में 2.8 देख रहे हैं, तो आपको जो एरिया मिल रहा है वो जीरो से 2.8 तक का मिल रहा है, तो उसमें कितना एरिया जरूरत से ज्यादा है, जीरो से 1.01 तक का। तो 1.01 देखें टेबल में क्या करवा दें, उसको माइनस करवा दें, तो आपने देखा 1.01, तवज्जो दरकार है, तवज्जो, वन देखा ये 1.00, ये 1.01, 0.3438, जी बेटा क्या आंसर आया 0.1536। इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब आपका 45 से लेकर 52 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.1536, चलिए 15.36%, ये आपका पहला आंसर आ गया। बोले बेटा जवाब दें, ये कौन सा पार्ट सॉल्व किया मैंने? डी। मैं आप इस तरह ऐसा से ऊपर जा रहा हूं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी इसको सब क्विक। हाँ जी बेटा, सब लोगों का सॉल्व हो गया, बताइए। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं, प्लीज बहुत तवज्जो, फर्क समझिएगा। द नंबर ऑफ हेड्स बट डज नॉट इंक्लूड, यानी जो नंबर ऑफ हेड्स आपको चाहिए वो 45 और 52 के दरमियान चाहिए, लेकिन 45 52 नहीं चाहिए, उसको हटाकर। समझ पा रहे हैं बात? यानी तो इस बात को कैसे लिखा जाए सर? अब इसको आप लिखें ऐसे, इसी पार्ट हम सॉल्व कर रहे पढ़े बेटा। मैं चाहता हूं ऊपर वाला भी आपको दिखे ताकि आप क्या कर सकें, इसको कंपैरिजन कर सकें। ऊपर वाला पार्ट भी आपको दिखता रहा, आप कंपैरिजन करते रहे। प्रोबेबिलिटी 45 इज रियली व्हाट? लेस देन एक्स, मींस एक्स इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 52। यस और नो? बोलिए बेटा बोलिए। अब वो कहता है कि 45 शामिल ना करो, अगर मैं 45 की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करता तो 45 इंक्लूड हो जाएगा। तो अब उसको एक्सक्लूड करने के लिए लोअर लिमिट का क्या करना चाहिए? हमेशा हम आमतौर पे कंटिन्यूटी करेक्शन करते हैं इंक्लूसिव बनाने के लिए, लेकिन यहां अब कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है एक्सक्लूसिव बनाने के लिए। जरा दिमाग चलाइएगा क्या होना चाहिए। अब उल्टा हो जाएगा मामला, लोअर लिमिट में 0.5 ऐड हो जाएगा और अपर लिमिट में माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको कंटिन्यू इस तरह लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 45.5 में 0.5 प्लस करें, 45.5 इज लेस देन एक्स, बोलिए एक्स इज लेस देन, और 52 को हम 52.5 में हम 0.5 प्लस करके उसको इंक्लूसिव बना रहे थे, अब क्या करें? एक्सक्लूसिव बनाएं। कैसे? माइनस कर। कैसे माइनस माइनस करके बनाएं? कंपैरिजन देख लें ऊपर वाले से, 52 में से आप 0.5 लेस करें, क्या बनेगा आंसर? 51.5। अब ये प्रॉब्लम निकाल लिया, यानी हमें जो वैल्यूज चाहिए एक्स की वो 45.5 से ग्रेटर देन चाहिए। तो बताइए 45.5 से ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी? 46। और जो हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए वो 51.5 से लेस देन चाहिए, तो लेस देन क्या होगा? 51। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपने 45 और 52 को शामिल नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात? यानी एक्सक्लूड कर दिया ना, इंक्लूड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, लोअर लिमिट से 0.5 लेस होगा, अपर लिमिट 0.5 ऐड होगा, और एक्सक्लूड करने के लिए अपर लिमिट में क्या होगा? 0.5 ऐड होगा लोअर लिमिट से, सॉरी लोअर लिमिट 0.5 ऐड होगा, अपर लिमिट से क्या होगा? लेस होगा। उल्टा हो जाएगा, क्लास बाउंड्री से उलट हो जाएगा मामला। तो क्लास बाउंड्रीज के अंदर भी आमतौर पर हम क्या करते थे? इंक्लूसिव किया करते थे, एक्सक्लूसिव नहीं किया करते थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब यहां पर इसको जरा ध्यान में रखिएगा, अब क्या करें? अब इसको फॉर्मूले में रख दें आप, वही जैसे है।
जेड इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, लोअर लिमिट 45.5 माइनस वही 20, 40 लिख दो ना भाई डायरेक्ट 40 अंडर रूट 20, बताइए क्या आंसर आता है, 1.22 राउंड करो 23 हो जाएगा, नहीं 1.23। उसके बाद 51.5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट 20। टू पॉइंट फाइव प्लस 5.7 काफी, ठीक है जी। अब क्या करें, इसका आप बनाएं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम निकालना चाहते हैं 45.5 से लेकर 51.5 तक, तो आपको चाहिए आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लें। इसको 2.6 ना करें भाई, 2.57 है ना, तो 5.7 की राउंडिंग मजीद नहीं हो रही ना, जेड की वैल्यू में पॉइंट के बाद दो डिजिट लें, हाँ क्योंकि वो हमारे पास पिछले उसमें क्या था 2.79 आ गया था ना, तो 79 को हमने राउंड, 79 के बाद ऐसी वैल्यू थी जो आगे राउंड करनी पड़ी, जब 9 को राउंड किया तो क्या बन गया, वो 2.795 था, तो 5 को जब राउंड किया तो फिर उसको राउंड करके 8 बनाना पड़ा, लेकिन अभी तो 2.57 है, तो अगर 7 के आगे कोई ऐसी वैल्यू है जो राउंड होगी तो उसको 2.58 बनाएगी, डायरेक्ट 2.6 तो नहीं बनाएगी ना बेटा, तो राउंडिंग सीखें बराए मेहरबानी, ऐसे ना करें। प्रोबेबिलिटी 1.23 इज लेस देन जेड, जेड इज लेस देन 2.57, ठीक है जी। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व्स, जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब आपको जो वैल्यू मिल रही है लोअर लिमिट 1.23, ये 1.23 और उसके बाद 2.57, ये आपका एरिया अंडर द कर्व, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं हाफ टेबल, तो आप उसमें जाएं अपर लिमिट चेक करें 2.57, उसमें से आप लेस करवा दें लोअर लिमिट 1.23 तक का एरिया अंडर द कर्व, बोलिए 2.57 में क्या एरिया आ रहा है आपके पास, 0.4949, 0.4949, उसमें से आप 1.23 तक का एरिया लेस करवा दें, बताइए पॉइंट 1.23, देखें बेटा 1.23 मैं चेक करता हूं टेबल में, खैरिये जरा एक है 2.50 1 2 3 4 5 6 7 4 9 4 9, फिर 1.23 पे आना है, 1.20 1 2 3 0.3907, जब 0.3907 क्या किया इसमें से लेस करवाया, क्या आंसर बना 0.104, ठीक है जी। ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो सी और डी में क्या फर्क है, लोअर और अपर लिमिट को इंक्लूसिव किया है डी में और सी में एक्सक्लूसिव किया, ठीक है। अच्छा जी, अब कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है।
बी पार्ट तो ऐसा है कि उसके लिए हमें ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सोचिए, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की, क्योंकि वहां तो उसने डायरेक्ट क्या बोला, इक्वल टू की प्रॉब्लम निकालनी। सर हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, हम पढ़ते नहीं है। नंबर ऑफ एडेस, अच्छा बी में नहीं, ए पार्ट की बात हो रही है, वो तो ए पार्ट है, हम इसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ हेड इज लेस देन 48, जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो 48 से लेस देन है। तो 48 से लेस देन का मतलब क्या है, 48 को एक्सक्लूड करके, क्योंकि 48 से लेस देन बोल रहा है और डिस्क्रीट टर्म में बोल रहा है। जब भी डिस्क्रीट टर्म में बोले क्या करने का, उसको आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है जी, डिस्क्रीट टर्म में आपको एक्सक्लूड करना है, क्या करेंगे आप इसमें से 0.5 लेस कर देंगे। क्यों समझेगा, ये 0.5 लेस क्यों कर रहे हैं सर, अपर लिमिट क्या कहते हैं, अगर आप 0.5 लेस करो समझेगा आपको 48 उससे नीचे की वैल्यूज चाहिए। तो 48 क्या हुआ, अपर लिमिट हुआ या लोअर लिमिट हुआ? अपर लिमिट भाई, 48 और उससे नीचे, दिमाग चलाओ। तो अगर 48 अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में आमतौर पे 0.5 ऐड होता है, लेकिन क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो क्या करेंगे, 0.5 लेस करेंगे। तो पहले तय कर ले जो वैल्यू आपको दी हुई है, अपर लिमिट है या लोअर लिमिट, क्योंकि आपको जो वैल्यूज चाहिए वो 48 से ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। तो 48 से अगर आगे जाना है तो 48 लोअर लिमिट बन जाएगा, और 48 से अगर, तो 48 बेटा, तो इसका मतलब 48 अगर अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में आमतौर पर 0.5 ऐड होता है। जब 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंक्लूसिव, लेकिन वो तो लेस देन 48 बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए ना। एक्सक्लूड कैसे करें, 0.5 लेस करवा कर। ठीक है जी, तो अगले पेज पे करता हूं उसको। तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 48, जवाब दें। तो इसको आप ये डिस्क्रीट टर्म में लेस देन 48, इसको लाना है किस टर्म में, कंटिन्यूअस टर्म में। तो आपको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 47.5। ये 0.5 लेस क्यों हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर आपके सामने। एक्स माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी की। अब बताइए एक्स की वैल्यू क्या रखी है आपने, 47.5 माइनस 40 आएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1.67। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रॉबर्टी निकालें किसकी, जेड की लेस देन 1.67। जवाब दे बेटा, यानी जो आपको एरिया अंडर द कर्व चाहिए 1.67 से लेस देन चाहिए, यानी माइनस इनफिनिटी से लेकर 1.67 तक का चाहिए। तो पहले आप बनाएं नॉर्मल कर्व, ठीक है जी, बन गया नॉर्मल कर्व, बहुत तवज्जो दरकार है बेटा। अब 1.67 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो जीरो से राइट साइड पे आऊं, लेफ्ट साइड पे जाऊं, तो पहले मैंने 1.67 मार्क कर दिया, अब क्या करना है, 1.67 से जो मुझे एरिया चाहिए वो ग्रेटर चाहिए लेस देन चाहिए, तो क्या करूं, लेफ्ट साइड शेड करो राइट साइड शेड करो, लेफ्ट साइड, बोलिए बेटा बोलिए। बेटा लेस देन की तरफ जा रहा है तो लेस देन की तरफ राउंड कर दिया ना मैंने इसको। ठीक है जी, अब अगर क्या यूज कर रहे हैं, हाफ टेबल, तो आप कहाँ खड़े हैं, जीरो पर, जीरो से 1.67 तक का एरिया, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, और जीरो से माइनस इनफिनिटी तक का एरिया क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये एरिया तो कंफर्म कितना है, 0.5 है, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अब जाएं हाफ टेबल में, 1.67 पे वैल्यू निकाल,
1.67, ये 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 4 5 2 5 4 5 2 5, जवाब दे दें बेटा बराए मेहरबान। 0.4525, समोगे कितना देगा आंसर, क्या आंसर बना बेटा भाई, सब लोग बताइए ना यार। 0.9525, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, Z के 1.67 से लेस देन होने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 95.25%। समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा जी, अब उसके बाद ए पार्ट, ए पार्ट तो ये कौन सा पार्ट सॉल्व किया हमने, बी पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये हमें बोलता है कि आप 48 से ग्रेटर देन होने की प्रॉब्लम निकालो, आवाज नहीं आ रही बेटा, 48 से ग्रेटर देन होने की प्रॉब्लम निकालो तो 48 फिर क्या होता, लोअर लिमिट होता, तो 48 से ग्रेटर देन वैल्यूज जो होंगी वो 49 होंगी। तो अगर 48 इंक्लूड करना है तो 48 से 0.5 लेस करते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन बोला है तो क्या करोगे, 48 को एक्सक्लूड करोगे, क्या करोगे, 0.5 ऐड कर दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ए पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, ए पार्ट की खास बात क्या है, ठीक है जी, ए पार्ट की खास बात ये, द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स बराबर है किसके, तो कितनी बार कॉइन टॉस हुआ, तो 80 टाइम कॉइन टॉस होने में नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल के बराबर कब से, जब हेड कितने हैं 40, तो इसके लिए तो आपको क्या कहते हैं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40, कौन से वाले फार्मूले से, बायनोमियल के फार्मूले से, तो आप बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही बेटा, एन सी एक्स इंटू की पावर एक्स इंटू, याद है आप भूल चुके हैं सब कुछ, तो आपने कहा ये इक्वल टू है भाई, तो एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या बोलेंगे आप, 80 c 40, आवाज ही नहीं आप लोग की बेटा, इंटू 0.5 की पावर 40 इंटू 0.5 की पावर 40 निकाल लें आंसर क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। जीरो पॉइंट 0.08889, जवाब देना बेटा, ये आंसर आ गया बायनोमियल। अच्छा, अब अगर कोई कहता है नहीं जबरदस्ती बोलता है, नहीं नहीं मुझे तो ये वाला आंसर है, ये बायनोमियल का क्वेश्चन, लेकिन इसको आप मुझे नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट करके निकाल के बताओ, तो मसला है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा आंसर लिमिट निकाल के आता है, आवाज नहीं आ रही भाई, इक्वल टू वाला आंसर नहीं आता, ये बात याद है, भूल चुके, तो इक्वल टू की प्रॉबिलिटी ना होने के बराबर होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो फिर उसको जबरदस्ती अगर निकालने का करना पड़ेगा, जो इक्वल टू वाला पॉइंट है उसमें 0.5 लेस 0.5 ऐड, उसको लिमिट में कन्वर्ट करें, मतलब अगर आप इसको इक्वल टू में लाना चाहते हैं तो आप लिखें प्रोबेबिलिटी 0.40 में से 0.5 लेस करें, 39.5 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 40.5, यस और नो, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, बोले बेटा, यानी जो आपको वैल्यू चाहिए कौन सी, एक्स की, वो 39.5 से ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन क्या आएगा, 40 आएगा, और जो एक्स की वैल्यू चाहिए वो 40.5 से लेस देन चाहिए, आवाज ही नहीं आ रही, तो 40.5 से लेस देन क्या आएगा, 40 आएगा, तो अब आप क्या करो, 39.5 और 40.5 को जेड की जेड में रख दो, कन्वर्ट कर लो, तो अगर कोई कहता नहीं इसको सॉल्व करो लाजमी किससे, तो वो भी कर देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब लगा दिया जेड का फॉर्मूला, 39.5 रखा बेटा, जवाब दो यार जवाब दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ 40 रखता तो 40 से 40 क्या होता, माइनस, आवाज ही नहीं है बेटा, डिवाइड किससे होता है, स्टैंडर्ड, आंसर जीरो हो जाता, और किसी भी सिंगल पॉइंट पे कितनी बारीक प्रोबेबिलिटी है कि वो ना होने के बराबर है,
कंटिन्यूस डेटा के अंदर, ठीक है जी। 39.5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट 20। ये सब पता ना 20 अंडर रूट कैसे आ रहा है भाई, बताइए क्या आंसर आता है। 0.0.111 जवाब देना बड़ा मेहरबानी बेटा, माइनस का 0.11 बोले बेटा। और दूसरा आंसर क्या आएगा, 40.5 माइनस 40 प्लस का 0.1 बना जाएगा बेटा, आवाज ही नहीं आ रही आपके लोग आप लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें नॉर्मल से, तो आप एरिया निकाल लें, यानी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड निकाल लें, आप बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, प्रोबेबिलिटी माइनस 0.11 इज लेस देन जेड, जेड इज लेस देन 0.11। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से, ठीक है जी। अब 0.11 बहुत क्या कहते हैं, जीरो के करीब है, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। जवाब दें प्लीज बराए मेहरबानी, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है जी, माइनस के इनफिनिटी से लेके आया पॉइंट, अच्छा अगर सॉरी अगर आप हाफ, मैं फुल टेबल चला गया, हाफ जीरो से आया कहां पर 0.11 तक, और फिर जीरो से आया लेफ्ट पर भी 0.11 तक। आंसर निकाल के देख लें हाफ टेबल में, हाफ टेबल में जाइए, तवज्जो दरकार है बेटा। ये आपने देखा 0.1, ये 0.10 और ये 0.11, 0.0438। एक बार राइट पर दोनों को प्लस कर, +0.04 सम बताइए, हाँ 0.08, यानी आंसर आया 0.0876, जो कि अप्रोक्सीमेटली बायनोमियल के फार्मूले के आंसर के बराबर है। क्यों 8.76% बोलू या 8.89% बोलू, आंसर करीब करीब ही है या दूर है, तो वो ये कौन सा आंसर है एग्जैक्ट आंसर, आवाज ही नहीं आ रही, ये कौन सा आंसर है अप्रोक्सीमेट आंसर। तो क्या है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल, यानी बायनोमियल का अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो किससे, सिंपल सी बात है। तो वो आंसर शर्त थोड़ी एग्जैक्ट आएगा, लेकिन वो आंसर बिल्कुल करीब करीब आंसर वाला आंसर आ रहा है। तो ये कौन सा आंसर हुआ एग्जैक्ट, ये कौन सा आंसर हुआ, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 8 पॉइंट और फुल राउंडिंग करें तो 9%, इसको भी 9% बोलेंगे, इसको भी 9% बोलेंगे, क्या ख्याल है, राउंड करके दोनों क्या बन जाएंगे 9% बन जाएंगे। तो ये अब आपके सामने, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अप्रोक्सीमेट समझ में आ चुकी होगी। अब आपको होमवर्क में क्या करना चाहिए बता रहा हूँ, क्या करना, बहुत दिनों से आपने तो होमवर्क किया ही नहीं, यकीन करें आपने बोला हमें कुछ करने की क्या जरूरत पड़ा, है ना, हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब एक तो होमवर्क है आपके पास, ये यहां से शुरू है आपका होमवर्क बेटा, कहां से शुरू है 43 मैंने करवा दिया ना बेटा 40, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहें तो 43 से शुरू कर दें आप लोग, खुद पेज वही जहां पे चैप्टर नंबर आपका 10 चल रहा था वही चल रहा है अब तक, गुज़िश्ता से व्यवस्था, ठीक है जी। 43 जहां आखिरी होमवर्क खत्म हुआ था वहीं से शुरू करें ना बेटा, अब अगर आखिरी होमवर्क किया होगा याद होगा तो पेज नंबर ही पता होगा, कौन जहमत करे। 44 से शुरू करें, रुके ही मत, चलें कहां तक बेटा 48 तक, 44 से 48, ये तो कोई होमवर्क ही नहीं कहलाया,
लेकिन इन सबको करने से पहले एक काम और कीजिएगा, इसकी एक इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल वाली, वो मैंने नहीं करवाई क्योंकि उससे आसान इलस्ट्रेशन कौन सी बन गई थी, क्वाइन वाली, जो कि क्वाइन वाले क्वेश्चन आपने बारहवें में बहुत सारे किए हुए हैं, तो उसकी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन सीखना ज्यादा आसान है, लेकिन खुद किताब ने जो एग्जाम्पल दी है वो आप सॉल्व करें। किताब ने एग्जाम्पल दी ये वाली, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 10.13। पढ़ लेते रखो, ठीक है जी। इसमें इन अ पर्टिकुलर मेटर्निटी हॉस्पिटल इज फाउंड दैट अ प्रोबेबिलिटी दैट अ बेबी बेबी इज अ गर्ल इज 0.5। तो बच्चा पैदा हुआ है उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो गर्ल ना होने की, बॉय होने की मतलब 0.45। सक्सेस फेलियर, पक्का यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 100 बर्थ्स, ये क्या हो गया ना, एन हो गया, साइज ऑफ सैंपल हो गया, ठीक है जी, बिटवीन 50 and 60 विल बी गर्ल्स। 50 और 60 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है टू इंक्लूड और एक्सक्लूड, लेकिन लव बोला बिटवीन, तो हमेशा हमें क्या करना है, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड तो स्पेशल बात हो गई ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे, 50 में से 0.5 लेस करेंगे, 60 में 0.5 प्लस कर देंगे। हाँ, ओवर 60 विल बी गर्ल्स, 60 से ऊपर गर्ल्स होंगी, तो 60 क्या बनी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 60 से ऊपर गर्ल्स होंगी, तो 60 या उससे ऊपर आवाज नहीं है, तो ऊपर जो आएगा वो अपर होगा, ये लोअर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लोअर लिमिट है, और ओवर 60 लिखा हुआ है, तो 60 शामिल, तो 60 को एक्सक्लूड कैसे करें, 0.5 ऐड करके, तो इसको पुट करना है फार्मूले में 60.5 करके। तो उम्मीद है आपको जो भी मसाइल होंगी आप यहां से कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने ये सॉल्व करना है, फिर आपने बाकी होमवर्क करना है, ठीक है जी। तो यहां पर स्क्वाइन करते हैं, कोई सवाल यहां पर मजीद, चलें बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।